जनपद में दूसरे दिन भी यूपी पीईटी परीक्षा दो पालियों में हुई सकुशल संपन्न। पहली पाली में 27,672 अभ्यर्थियों में से 19,409 अभ्यर्थियों ने लिया भाग, बाकी ने छोड़ी परीक्षा। अभ्यर्थियों ने कहा पेपर आया था बहुत हार्ड, कुछ ने कहा बहुत अच्छा। जनपद में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदारी। बनाए गए हैं 198 क्रय केंद्र। 1,90,000 मीट्रिक टन धान खरीदारी का है लक्ष्य, एडीएम फाइनेंस ने दी जानकारी। जनपद में मतदाता सूची के सत्यापन का शुरू हो चुका है कार्य। 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने वाले नागरिक बन सकते हैं वोटर। बीएलओ से संपर्क कर भरें फॉर्म, एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। आदर्श नवयुवक रामलीला समिति के तत्वाधान में आयोजित रामलीला महोत्सव में राम विवाह और राम वन गमन संवाद लीला का किया गया मंचन। कैकेयी व राजा दशरथ से संवाद एवं राम का वन गमन देख भाव विभोर हुए दर्शक। जनपद के एक निजी लान में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा हस्त निर्मित वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी, लोगों ने जमकर की खरीदारी। पूर्वांचल गौरव सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। पूर्वांचल के विभिन्न विभूतियों को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। कहा यह लोग पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं पूर्वांचल का नाम। नवीन महवा मंडी में प्याज के दामों में आया भारी उछाल। आलू के दाम बने हैं स्थिर। मंडी में 50 रुपये से 60 रुपये किलो तक बिक रही है प्याज, बिक्री हुई डाउन।